प्रदेश भर में ईवीएम मशीनों के साथ हो रही गड़बड़ियों के मद्देनजर कांग्रेस पूरी तरह फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर निशांत वड़वड़े ने सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को अपने साथ लेकर स्टेडियम में स्ट्रांग रूम का दौरा करवाया। गौरतलब है कि कांग्रेसियों को ईवीएम के साथ छेड़खानी होने की शंका है, जिसके चलते उन्होंने स्ट्रांग रूम का दौरा कर ईवीएम मशीनों को देखा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को अंदेशा था कि गुजरात के लोग यहां आकर ईवीएम के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इस दौरान राव के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत भी की। भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये सिक्योरिटी पॉइंट आप इसे ऐसा होना चाहिए या ऐसी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी व्यथित क्यों होती है? सवाल ये भी है। रही बात 145 सीट लाकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, इंदौर में भी हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लाए। जहाँ तक प्रश्न है इंदौर की व्यवस्था का, मैं समझता हूँ हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता। अच्छा भाई, वो लोग कौन है जो गुजरात से आने वाले थे, छेड़खानी होने वाली थी, ये बात है, ये कुछ ऐसा मैंने जैसा कहा कि मानव निर्मित व्यवस्था है, इंसान जिस चीज़ को बनाता है उसमें व्यवस्था दूसरी भी हो सकती है, ये आप और हम इसको नकार नहीं सकते और कोई नहीं नकार सकता।